ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट, वॉइस क्लियर अच्छे समस्त वॉइस क्लियर अच्छे। ओके तो आज हम सब इंपोर्टेंट टॉपिक आ सब इंटरेस्टिंग चैप्टर आज पढ़ा जोटा कि आम कही था वोल्केनिक एरप्शन वोल्केन कही था आग्नेयगिरी जहाँ कह जाए। तो यहाँ को बहुत ओडिया पिला इंग्लीश पिला कहूँ यहाँ बुझ बुझी सारापर आर ओडिया मेटेरियाल मुझे अपलोड करदेवि और इंग्लीश मेटेरियाल अपलोड करदेवि दुटाक मेटेरियाल मुझे अपलोड करदेवि कि दिजर कनसेप्ट एका अच्छी नोट भी दिजर एका टाइप रे। तो जो मैंने पर्टिकुलर ओडिया जो मैंने पिला अच तो से नोट तुमको भिडियो सहित नोट भी अवेलेबल करदेवि कि आज क्लास टाइम बुझ आज किसी लेखनी खाली बुझे कहीं गोटे वोल्केनिक एरप्शन होता है कौन कारण गोटे वोल्केनिक एरप्शन हमारे पचे। ओके तो अभी कंटिन्यू करिबा क्लास को जे साधारणतः वोल्केनिक एरप्शन हुए कहीं कौन पर वोल्केनिक एरप्शन होते आग्नेयगिरि उद्गिरण कहीं होता है तार अर्थ हूँ जितेबले कौन से रॉक टा क्रैक क्रिएट हुए गोटे रॉक रे क्रैक क्रिएट हुए मैग्मा केम आउट द लावा मैग्मा केम आउट एज ए लावा आम जो पढ़ी थे जो क्रस्ट भितर जो मैग्मा थाए से मैग्मा टा बाहर को बाहर के आसे एज ए लावा हिसाब से एज ए लावा हिसाब से आसता है। तो एठी हमें पॉइंट क्लियर हेले जे को माने आग्नेयगिरि उद्गिरण कहले हमें कौन बुझा बा वोल्केनो कहले हमें कौन बुझा जार अर्थ हूँ जेतेबले कौन से आमर मान रॉक रे जदि किछि क्रैक क्रिएट हो कौन से फांको जदि क्रिएट हो तो आमर जो मैग्मा अच्छे मैग्माटा बाहर को आसिया पई चेष्टा करे आज इन द फॉर्म ऑफ लार्वा को हिसाब से ना लार्वा हिसाब से बाहर को आसिया पई से चेष्टा करे। तो ये मु तुमको किसी पॉइंट कहूँ जोड़ा कि दीटा पॉइंट अच्छी से पॉइंट विषय को इमेज आकर तुमको कहूँ। अच्छा सभा सभा तले आम कौन था कौ स्पीयर था सभा तले कि कह सभा तले आम जो आर्थ सेंटर पाखापा जो कोर अच्छी कौ स्पीयर था कोर था कोर पर कौन आसे जो मैग्मा जो स्टार्टिंग हुए कौ स्पीयर कही थो आस्थेन आस्थेन स्पीयर भी कह जाए आपको मैं कौन कहे आस्थेन स्पीयर कहले ठीक आस्थेन स्पीयर पाखे आम कौन था ना मैग्मा चैंबर कौन रहा मैग्मा चैंबर था कौन रहा मैग्मा चैंबर था आम जानी ये मैग्मा चैंबर पाखरे ए मैग्मा चैंबर पाखरे बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था कौन था बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था कौन था बहुत सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था क्रमश से कौन कन्वर्ट हूँ ना एनर्जी को कन्वर्ट हूँ एनर्जी सर हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन तो एनर्जी कन्वर्ट हुई जो एनर्जी क्रिएट हुए से एनर्जी कौन कन्वर्ट हम हिट रे एनर्जी कौन कन्वर्ट हम हिट रे कन्वर्ट हम एगेन से हिट कौन कन्वर्ट हम ना टेम्परेचर रे कौन कन्वर्ट हम ना टेम्परेचर रे टेम्परेचर कन्वर्ट हम थे भाव इटी जो रॉक थे इटी जो सब रॉक थे से बर्तमान कौन करेंगे मेल्ट हो कौन हो मेल्ट हो मोल्टेन रॉक आम जहाँ कह कह मोल्टेन रॉक भी कह तो परवर्ती अवस्था जो रॉकटा कौन थे कन्वर्ट हो मेल्ट कन्वर्ट हो मेल्ट हो जो रॉकटा मेल्ट हो मेल्टा को आम कौन कही थो ना मैग्मा कौन कही थो मैग्मा बुझा पड़ा मैग्मा चैंबर रु मैग्मा कहले कौन बुझा मैग्मा चैंबर रु मैग्मा रो दूरत्व मैग्मा कहले आम कौन बुझा एत समस्त क्लियर है ना कहाँ डाउट है सारा। तो एबे आसा पॉइंट जितेबाद ये मैग्माटा ऊपर को आसिया चेष्टा कै को आकार से आसिया चेष्टा कै ना से ऊपर को आसे से लार्वा आकार आसता है आईटी से गोटे पॉइंट कहूँ जो लार्वा आकार ऊपर को आसे किसी किसी मैग्मा आम जहाँ को लार्वा कही था रॉक रो फांको बाट दे ये रही जाते सब दिन
କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ସପୋଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ନଉଛେ ବା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସପୋଜ ସାଇଡ୍ରେ ଯୋଉ ରକ୍ ଅଛି, କିଛି ରକ୍ରେ କିଛି କ୍ରାକ୍ ଅଛି ବା କିଛି ୱିକ୍ ଅଛି, ତାର ତ ସେ ଖାଲି କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବ, ସାଇଡ୍ କି ପଳେଇବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଦଉଛେ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ନଳ ଲଗଉଛେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ, ଭାବିଦିଅ ନଳଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଗମାର ଚ୍ୟାନେଲଟା। ଦେଖିବ ସପୋଜ ସେ ନଳରେ କ'ଣ ଥିବ, ସେ ନଳ ବାଟେ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ସେଇ ବାଟେ ତ ମାଗମା ଲାଭାଟା ଉପରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ରେ କାହିଁ ବାହାରିଲା ନା, ସେଇ ବାଟେ ଦେଇ ସେ ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ମାଗମା ଉପରକୁ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ମାଗମା ଉପରକୁ ଉଠେ, ଯଦି ହଁ ଯୋଉଠିକି ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ହଁ ପାରାସାଇଟିକ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ରେ କିଛି ୱିକ୍ ରକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୱିକ୍ ରକ୍ ବାଟେ ଦେଇ ସେଇଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହିଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଉପରକୁ ଗଲା, ଯିଏ ଉପରକୁ ଗଲା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଲେ ଲାର୍ଭା, ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଭୋଲକାଣ। କ'ଣ କହିଲେ, ଭୋଲକାଣ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ? ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟରେ ସେ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ସେ ଏନର୍ଜି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ହିଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ସକାଶେ ସେ ମାଗମାରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ବତେଇଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଭା ବାହାରେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାର୍ଭା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେ ବା ଲାର୍ଭା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଆସନ୍ତି, ୱାଟର ଭେପର ଆସନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲାର୍ଭା ଆମେ କହିଲେ, ଆସ୍ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ ନା କାହାଟା ଉଠୁଛି? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଲାର୍ଭା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଲାର୍ଭା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲାର୍ଭାଟା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କୋଉ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, କନଭର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଯେ ଭୋଲକାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଭୋଲକାନଟା କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ଲାର୍ଭାଟା କାହିଁକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଦେଲା କର୍ଜେସପ କ'ଣ ନା ଭୋଲକାନିଜିମ। ଭୋଲକାନିଜିମର କାରଣ କ'ଣ ବା ଭୋଲକାନର କାରଣ କ'ଣ ବା ଆମ ଯୋଉ ଲାର୍ଭା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି, ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଆର କାରଣ ହଉଛି କନଭେନସନ କରେଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ। କନଭେନସନ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୂର୍ବଦିନ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହଉଥିଲା। ତ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କନଭେନସନ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯାହାକି ତାର କାରଣ ଯେ କି ଭୋଲକାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ସକାଶେ। ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ହଁ ସେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ବି କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର କଜେସପ ଭୋଲକାନିଜିମ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ତମକୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନୋଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ଏଠି ବୁଝ ଆରାମସେ ସେ ନୋଟ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବହି ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲର ଯୋଉଟା କି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହି, ଡିଟେଲ ସେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ଜେସବ ଭୋଲକାନ, ଭୋଲକାନ କାହିଁକି ହେଲା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଭୋଲକାନ କାହିଁକି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ ସକାଶେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭୋଲକାନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। କେଉଁ ଦେଶକୁ ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କ'ଣ ନା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ କହିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉଠି ଓସେନିଟିକ ପ୍ଲେଟ, କ'ଣ ଆସିଲା, ଓସେନିଟିକ ପ୍ଲେଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ପ୍ଲେଟ ମାର୍ଜିନ ଦେଖାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢେଇଥିଲି, ସବ
डक्ट सब डक्ट अर्थ कौन लक्ष्य करते आम पढ़ी गोटे अच्छा आउट ए प्लेट टा जो भितर को एंट्री कर प्लेट टा जो भितर को एंट्री कर से कौन हो गोटे प्लेट टा कट हो कनवर्ट हो गोटे मग्मार कनवर्ट हो एगेन से मग्मा कौटे कर लार्भा आकार ऊपर को जाऊँ जहाँ को आम कही सबडक्ट तो ये जिनस पढ़ी ए सब जिनस कौटी साधारण मैक्सीम आम कौट देखा पाचे ना ओसेनेटिक प्लेट पैसिफिक प्लेट जो था इमेज तो तुमको देखिए थियोरीटे बुझे देख पे इमेज आई थिंक समस्त आसुक बड़ हेगला बोधे अच्छा चले देखो देखो पैसिफिक प्लेट एटा हूँ कौ प्रकार प्लेट ना गोटे पैसिफिक प्लेट कि प्रकार प्लेट आसला पैसिफिक प्लेट मन रख पिले ये जो पैसिफिक प्लेट अच्छी सब पुराणा प्लेट आम जो प्लेट अच्छे आ सब ये हूँ भारी प्लेट ओजनिया प्लेट ये जो प्लेट रो मूवमेंट हूँ कड़क ना डिस्ट्रक्टिव तो सामान दिग आड़ मूवमेंट हम सपोज इटी अच्छी किए से ना साउथ अमेरिका किए अच्छी साउथ अमेरिका इटी रहा कौन ना नॉर्थ अमेरिका प्लेट इटी रहा कौन यूरोशियन प्लेट तो जिते बड़े इटी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होता है डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होता है तो देख पिले ये जो पैसिफिक प्लेट अच्छी इटी कौन अच्छी पैसिफिक प्लेट अच्छी इटी कौन हुए ना इटी जेहे हेवी अच्छी गोटे भारी प्लेट अच्छी जोटा कि तुमको मुझे बुझे थी तो ये जो प्लेट टा सहित टच कर टच कर कौन क्रिएट हो कौन इटे क्रिएट हो सबडक्शन हो सबडक्शन हो सबडक्शन मान कौन गोटे पार्ट टा भितर जाऊँ भितर गला से कौन हो मग्मार कनवर्ट हो मग्मार कनवर्ट होगा लार्भा आकार उपरको आसे लार्भा आकार कौन होपर को आसुच देख जितेबले नॉर्थ अमेरिका जितेबले नॉर्थ अमेरिका जो प्लेट टा जाइंकि माड़ होची किछि पार्ट टा ता भितर पड़ौची भितर को जाउची से मैग्मा हो जाउची मैग्मा हेला पर लार्वा के रसुची एट लक्ष्य कर देखो ए सबुटी ता चारिपटे कोन हिची खाली लार्वा ए चारिपटे ता होची कोन लार्वा कहारो ना पैसिफिक प्लेट रो कहारो ना पैसिफिक प्लेट तो सेति पई से कोहा जाउची जे से कोन फॉर्मेशन करूची ना इते रिंग ऑफ फायर कोन क्रिएट करूची जे आकु जो आकु आमे कौन कहे रिंग ऑफ फायर कहे क्या जो पैसिफिक प्लेट रो चारिपट जो मानते कंट्री मान जो माड़ होती जो लार्भा बाहर आपको आम कहे कौन ना रिंग ऑफ फायर कहे आई होप तुमने बुझल जे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट रे कहीं गोटे लार्भा बाहर जो दीटा प्लेट पाखापाखी आस जॉइंट होती ओब्वियसली मझीटा कौन थी विक थी तले लार्भाटा जो जो कौ प्रोसेस सबडक्शन प्रोसेस कौन है ना गोटे प्लेट टा भितर को डाउन है से मग्मार कनवर्ट है कौन है लार्भा आकार ये कनसेप्ट समस्त बुझी पाइल ना क्या डाउट है समस्त समस्त बुझी पार सबडक्शन हाँ कंप्रेसन नुह कंप्रेसन क्या अलग तुमको पढ़े सबडक्शन मन रख से जाए देख ये जो छप दीटा प्लेट माड़ है दीटा प्लेट रे गोटे प्लेट डाउन वार्ड खींचे जो गोटे हेवी थी आ गए विक् थी मानते मानते लाइट थी तो आ गोटे हेवी रल को किए पशि लाइट टा पशि जापर इटे कौन हो गए पीसटा कट हो कट हेला मग्मा कनवर्ट हो जोटा कि तुमको आई थिंक दीटा तीन टाइम क्लास पूर्व पढ़े थी अच्छा बुझा पड़ा समस्त रिंग ऑफ फायर कहले कौन बुझा मन रख वर्ल्ड रब हाएस्ट वोल्कानो आमे कोठी पाइथौ ना वर्ल्ड सबटा हाईएस्ट वोल्कानो कोठी मिले ना ठीक ए पर्टिकुलर पैसिफिक प्लेट रे मिलथे कोठी मिलथे पैसिफिक प्लेट रे मिलथे बुझा पहिला केमिति गोटे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन द्वारा आमे वोल्कानो पाउछे फर्स्ट आमे माइंड रे क्लियर हला वोल्कानो काहे के असे वोल्कानो काहे के ऊपर कोठे जोठी उई के अछि से ऊपर कोठला जेतो दीटा प्लेट आसी मिसु चोंती तार मिडिल टर कोन रहउछि विक जोन रहउछि ट्राई कला से बाटी से बाहरिया पई एवरीवन क्लियर अछ टेक्नोटिकल बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर हाँ जो दि जन कौन अपोजिट आड़ पोज देख पे सपोज ए दिटा प्लेट पाखे अच्छा मुझे ये गला मझीटा कौन है विक जोन से बाटे सब चेष्टा हम कौन ना से बाटे सब लार्भा बाहर ट्राए कर ठीक से कहला मैक्सीम ये जिनसा कौटी ना आंटार्कटिक ओसन
नियर आइलैंड आइलैंड जो सब तैयारी सब यही सकाश हिंदी जिते बड़े गोटे कौन ना ना कौन कन्वर्सन प्लेट मार्जिन होते बड़े गोटे कन्वर्सन प्लेट मार्जिन होते लार्भा बाहर गोटे आग्ने उत्कीर्ण होता समस्त बुझल आउ थे रिविजन करदे कहीं मन रखा हूँ गोटे लंग क्वेश्चन आज सब क्वेश्चन भी हो पार किसी भी एटा हो पार जे लार्भा कहले कौन बुझे जिते बड़े आग्नेयगिरी उद्गीरण भोलकान कहले कौन बुझा ना भोलकान हूँ जिते बड़े समुद्र भितर श्रेणी मटी भितर जो मग्माटा लार्भा आकार ऊपर को आसता है कहुए भोलकान फास्ट पॉइंट क्लियर है तो मग्माटा केमती या आम जानचे सब हाई अमाउंट कौन आसा ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट अच्छा परवर्त अवस्था एनर्जी हिट्रे कनवर्ट हो टेम्परेचर कनवर्ट हो कौन मग्मा या मग्मा सहित आउ किए आसती ना लार्भा आस वाटर वाटर किस ना भेपर मान आसता जोटा कि पढ़ले देखे कजेसव भोलकानो देखले कौन ना तीनो पॉइंट दिटा पॉइंट पड़े डीचे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन द्वारा होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन द्वारा भोलकानो होता है यार भौगोलिक कारण कौन तमान कौन क्वेश्चन अर्थ ही किसी नहीं रिंग भाई देखा जो भोलकान या लक्ष्य कर ए पैसिफिक प्लेट रिपटा रिंग भाई देखा गोटे रिंग भाया अच्छा कटक कहुए रिंग रोड कटक अच्छी कौन रिंग रोड मान कौन चारिपट पूरा राउंड तुम आराम से बुलाई आसपार तो ठीक एक्जाक्टली हाँ ये एक्जाक्ट गोटे रिंग भाई देखा ओके आपको रिंग अफ फायर कहे ओके बुझा पड़ा रिंग अफ फायर क्या कह चले तो ये जी नेक्स्ट पॉइंट जे देख एटा हूँ कौन ना तुम कंस्ट्रक्टिव देख जो गोटे प्लेट पड़ा ये थर साउथ आमेरिका रहा ये आफ्रिका प्लेट रे अपोजिट मूवमेंट होगा तो ये सब एरिया कौन आसा भोलकानो क्रिएट है कौन आसा ये सब एरिया भोलकानो क्रिएट है बुझा पड़ा चले तो आउ गोटे कारण भोलकानिज्म होवार आउ गोटे कारण यहाँ नेक्स्ट पूर्व क्लास पढ़े कहीं गोटे प्लेट रही भौगोलिक कारण टा कहले कौन बुझा से जो तीनो कारण से गत क्लास पढ़े जे तीनो जो कारण अच्छे तुम जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कौन हो तुम ये जो आसला किस ना से जो करेन्ट आसा कौन ना कन्भेनसन करेन्ट कह कौन बुझा सब जिन पढ़े अच्छा एवं देखिए हूँ कौन ना कनसेप्ट अफ हटस्पट ये भी गोटे कारण भोलकानिक एरप्शन देख भोलकानिक एरप्शन होबार बहुत सारा कारण भितर आम पढ़ले डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव आउ गए आसला हटस्पट देख पे भोलकान साधारण कौटी थे जिते बड़े दीटा प्लेट मिशुचार मझीरे हुए जो दीटा प्लेट दूरे जाऊँगी मझीरे होता है किंवा किसी एरिया अच्छी किसी एरिया अच्छी जोटी देश भितर होता है ना से प्लेट मूवमेंट होता है ना से प्लेट कंस्ट्रक्टिव होता है ना से प्लेट डिस्ट्रक्टिव होता है किसी है ना किंतु से जगार भोलकान आसता है जार एग्जाम्पल हूँ किए से आफ्रिका देखो तार अर्थ हो बुझी पार भौगोलिक कारण मान आम इंडिया हुए ना कहीं अपेक्षा कर शेष पर्यटन सब अपेक्षा कर लास्ट को मझीरे क्वेश्चन कहीं भी करनी वेट कर आम देश में कहीं होनी आम देश में होती कि ना समस्त जिन आग को पढ़ा कौट कौ देश हुए एग्जाम्पल आसला जे पढ़ा कौ कौ कंट्री कौ कौ भोलकान हुए देख एवं आसला हूँ कौन ना कनसेप्ट अफ हटस्पट कनसेप्ट अफ हटस्पट हटस्पट कहले आम कौन बुझे मन कहे हटस्पट कहले ना से प्लेट मूवमेंट ना कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव हो किंतु विदाउट कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव विदाउट रे मध्य सिटी भोलकान होता है कौन हुए ना जिते बड़े कौन से मान आम जो मग्मा थाए तले जो मग्मा थाए जदि सिटी कौन थी ना
एक्सेसिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, जदि से जगह एक्सेसिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट था सिटी कौन हम हाई अमाउंट रे टेम्परेचर क्रिएट हम कौन हम हाई अमाउंट रे टेम्परेचर क्रिएट हम सपोज जदि कोनोसी गोटे प्लेट रे कोनोसी गोटे प्लेट रो कोनोसी रॉक बा कोनोसी गोटे एरिया वीक जोन अछि तो मैग्माटा सब बेले चेष्टा करबो ऊपर को आसे पई ताकू गोटे बाटो दरकार आसे पई तो सब बेले बाटो से कोठी पई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव रे किंतु हॉटस्पॉट कौन ना हॉटस्पॉट आर द प्लेस व्हिच आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट पार्ट रो इंटीरियर पार्ट रे था तापर आसला कौन ना इंटीरियर पार्ट कौन जो पार्ट टा वीक थिबो जो पार्ट टा वीक थिबो आ मन रखो ये बहुत पतला वाला था ए जो लार्वा टा बहुत पतला था तो जो गुटे वीक जोन आसला से बटे बाहर को बाहर आपे चेष्टा कला जहा को हमें कहले कौन ना हॉटस्पॉट कौन कहले हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट जोडा के हमें कोठे छ ना अफ्रीका रे देखु छ ओके आई होप एटा समस्त बुझी पर छ ए पर्यंत ना का डाउट आसला तीनोटी कारण देखिले कंस्ट्रक्टिव कारण गोटे डिस्ट्रक्टिव कारण गोटे हॉटस्पॉट कारण तीनोटी हुची कारण कोन पाई ना हां कुंत मैडम कोन डाउट रे कुंतु ভোলকানিক তো কোলেজন কোলেজন রো বহুত কোলেজন টা আমি চাইতে থ সে বি গোটে পয়েন্ট রব দেখুন দুইটি কারণ থাকে যেতবেলে গোটে প্লেট আছে সাপোজ এই দুইটা প্লেট মিশিকি আছে সাপোজ কালি সকালে এই গোটে প্লেট পড়েলা লেফট কু আর গোটে প্লেট পড়েলা রাইট কু যাকে আমি কনস্ট্রাকটিভ মোমেন্ট বলি কুছে তার্থ ए जो दीटा प्लेट रो मूवमेंट हे सला परे मझीरे जो फांका रहिला तो ए जगह रे वल्कन होवार चांस नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट ए तापर आसेला होची किस ना जे तो डिस्ट्रक्टिव होची डिस्ट्रक्टिव माने कोन सपोज इठी गोटे प्लेट अछि इठी गोटे प्लेट अछि आउ गोटे प्लेट सपोज इठी अछि ए दी जन प्लेट ए ऑब्वियसली रिफ्ट रिफ्ट टा जमे का कोइ तो जेतो बळे गुटे ओशन भितरे जेतो बळे गुटे वोल्केनिक एरप्शन होउची आकु रिफ्ट कहा जाय जेतो से रिफ्ट आगु कहि छै आगु कर वेट करन छै आगु कहिबे जेतो से धीरे 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 बडो वोल्केन रे कन्वर्ट हुए सेतो से आइलैंड क्रिएट करे सेर कोन तयार करे आइलैंड क्रिएट करे जेतो बळे इठी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट होउची सेवा से परस्पर जाइकि टच करूचोंती बा परस्पर गुटे जगह रे मिसुचोंती ए जगह टा वीक जोन था सो दैट कौन हुए ए जगह रे वोल्केन होबार चांस बहुत था वोल्केन होबार चांस बेसी था अच्छा जीवा नेक्स्ट पॉइंट हुची जे टाइप्स ऑफ लार्वा एटा ही तुमको लिखिया पड़ी हां ठीक अछि देखो टाइप्स ऑफ लार्वा एटा ही मैक्सिमम एग्जाम रे हमको लिखिया पड़ता है लार्वा होची दी प्रकार लार्वा होची कोनो हाँ जेतोबळे देखो से मु या कहो चाहिली जेतोबळे एक्सेस अमाउंट रो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थांती कोटी ना हमरो मैग्मा रे तो से जगहटा सबबळे ट्राई करबो ऊपर को हाई प्रेशर रे आसी आपे सपोज गोटे कोनोसी कंट्री रो इवन हम इंडिया कथा कहबा सपोज जदी कोनोसी जगहटा हमर वीक अछि तो से जगह से ट्राई करबो ऊपर को आसे पे लार्वा सब बेले बाटो खोजे ऊपर को आसे पे ताको गोटे वे दरकार पाथ दरकार ऊपर को आसे पे बस एति देखो लार्वा साधारणत दी प्रकार था गोटे होची एसिटिक लार्वा आउटे होची केस ना गोटे ला बेसिक लार्वा ए दीटा पॉइंट होची बहुत इंपोर्टेंट लार्वा साधारणत दी प्रकार गोटे ला एसिटिक लार्वा आउट हला किस बेसिक लार्वा अच्छा मु इमेज आकर आगो एसिटिक लार्वा को बुझो छी ता पर तुमको बेसिक लार्वा कथा बुझेबे आई होप समस्त मुंडे मते बाउंस हो जाउ छी अधा छुआ कोड कटि गेले
ମାନେ 100 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ 84 ଆସିଛି 85 ରହିଲେଣି, ବାକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ତ ବେଶୀ ଅଛ, ଟିକେ ବାଉନ୍ସ କରୁଛି। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଆଗତ ବୁଝ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଲାର୍ଭା କହିଲେ କଣ, ଦେଖ ଏକାଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମରି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତିକି ପଢେଇଛି କଣ ହଉଛି, ଲାର୍ଭା କହିଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ଲାର୍ଭା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଗମା ରହୁଛି ତଳେ, ଆମର କଣ ଅଛି ମାଗମା ଚାମ୍ବର ଅଛି, ଏ ମାଗମା ଚାମ୍ବରରେ କଣ ତିଆରି ହୁଏ, ମାଗମା ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ମାଗମାଟା ସବୁବେଳେ ଲାର୍ଭା ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଭୋଲକାନିକ ଏନର୍ଜି। ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ କିଏ ସେ ନା, ଯୋଉଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ହଟସ୍ପଟ। ଏ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାର୍ଭା ବାହାରିଥାଉ ବା ସେଇଠି ଭୋଲକାନିକ ଏରପ୍ସନ ହୁଏ। ତ ଆଗ ଆମେ ପଢିବା ଲାର୍ଭା କଣ, ଆଗ ପଢିବା ଲାର୍ଭା କଣ ନା, ଲାର୍ଭା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଲାର୍ଭା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ଲାର୍ଭାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା, ଏସି ଡିକ୍ ଲାର୍ଭା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାର୍ଭା ହଉଛି ବେସିକ ଲାର୍ଭା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କଣ ନା, ବେସିକ ଲାର୍ଭା। ଦେଖ ଏସିଡିକ୍ ଲାର୍ଭା କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଭା କେତେ ମିଟର ବା କେତେ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥାଏ, କେତେ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥାଏ, 70 କିଲୋମିଟର ତଳେ, 70 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବ ସେ ଲାର୍ଭା। ଆଉ କଣ ଥିବ, ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଥିବ ନା, 600 ରୁ 700 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର 70 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବ ଆଉ ଯାହାର ଟେମ୍ପରେଚର 600 ରୁ 700 ଭିତରେ ଥିବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା, ଏଠି ଯୋଉ ମାଗମା ଥାଏ, ଏଠି ଯୋଉ ମାଗମା ଥିବ ଏଇଟା କି କେମିତିକା ମାଗମା ଥିବେ ନା, ଥିବ ଦେଖ ପାର୍ସିଆଲି, କେମିତି ଥିବ ନା, ପାର୍ସିଆଲି ମେଲ୍ଟେଡ, ପାର୍ସିଆଲି ମେଲ୍ଟେଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ମେଲ୍ଟ କରିନଥିବ, ପାର୍ସିଆଲି ମେଲ୍ଟ ଥିବ। ପ୍ରଥମ ବୁଝ, ଲାର୍ଭା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଏସିଡିକ୍ ଲାର୍ଭା। ଏସିଡିକ୍ ଲାର୍ଭାଟା କୋଉଠି ଥିବ ନା, 70 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିବ, କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ, 600 ରୁ 700 ଭିତରେ ଥିବ, ଆଉ ସେଟା ପାର୍ସିଆଲି ମେଲ୍ଟେଡ ଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେଲ୍ଟେଡ ନଥିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ସେ ସବୁ ଗାଢା ଆକାରରେ ଥିବ, ମାନେ କଣ ଚିପ୍ ଚିପ୍ଟା ଦେଖିନା। ଦେଖ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହୁଛି, କେବେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କର, କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚିପ୍ଟି ଚିପ୍ ମାନେ କଣ କହିଲ, ପୁରା ମାନେ ଗାଢା ଥିବ, ପୁରା ସପୋଜ ତୁମେ ଆଣ ବାଟୁଥିବ, ଆଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ସେ ଆଣଟା ପୁରା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିବ, ପୁରା ପାଣି କମ ଥିବ ପୁରା। ହଁ 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 ତ ହଁ ହନି କଥା କହିବା, ପୁରା ଦେଖ ପୁରା ଚିପ୍କି ଚିପ୍କା ଆକାର ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ, ଭିସ୍କସ ଆକାର ଥାଏ, ଯୋଉକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରା ଅଠାଳିଆ ଆକାର ଥାଏ। ତ ସିଟି ସିଟି ଏ ଜାଗାରେ ମାଗମାଟା କୋଉ ଆକାର ଥାଏ ନା, ସେଇ ଆକାର ଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ବେଶିକି ଥାଏ ମନେ ରଖିଲେ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟିକି, STICKY, ଷ୍ଟିକି ସିଲିକା ବେଶିକି ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ମାଗମା ଥାଏ ଗୋଟେ ଗାଢା ଆକାରରେ ମାଗମା ଥାଏ, କେମିତିକା ମାଗମା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗାଢା ଆକାରରେ ମାଗମାଟି ଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ନା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଡାଉଟ ଅଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଡାଉଟ ନଥିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଡାଉଟ ଅଛି କି? ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାଗମାଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଣ, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମାନେ ପତଳା ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ଉପରକୁ ଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଗାଢା ଜିନିଷଟା ସହଜରେ ଯିବ, କୋଉଟା ସହଜରେ ଯିବ? ପତଳାଟା ପଳେଇବ, ଯୋଉଟା ଥିନ୍ ଥିବ ଥିନ୍ଟା ପଳେଇବ। ଏ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଚିପ୍କା ଅଛି ବା ଗାଢା ଅଛି, ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ। କିଛି ମାଗମା କଣ କରିବେ ନା, ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକିରି ଯଦି କୌଣସି ୱିକ୍ ରକ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଯାନ୍ତି, କଣ କହିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅଧା ରହିଗଲେ ରହିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ବହୁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି କଣ ତିଆରି କରିବେ, ଏଠି କଣ ତିଆରି କଲେ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତିଆରି କଲେ ନା, ନାଇଁ କଣ ତିଆରି କଲେ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତିଆରି କଲେ। ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମାଗମାଟା ଯାଏ ସେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ପଳେଇଥିବ କି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କିଛି ଯିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କିଛି ଯିବ ନା, ନାହିଁ ନା, ଏମିତି ପୁରା ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ହୋଇ ଯେମିତି ମଟର ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ବାହାରୁଥିବ, ସେମିତି ହୁଏ କି? କିଛି ସମୟ ପୁରା ଭୁସ୍ କରି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେର କିଛି ପ୍ରେସରରେ କିଛି ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇକିରି ଫେର ଆଉ ଥରେ ଯିବ, ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇପାରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ୍
आउथरे से लार्वा जितेबाला से आउथरे से लार्वा ऊपर को जीवा चेष्टा कर प्रेसर रे जीव हाँ कि ना प्रेसर रे जीव बहु प्रेसर रे जीव तो ए जगह रे बहुत प्रेसर रे जीव देखि छ पिले जत नळ गुटे जाम थिबो आउत पानी आस्थु पूरा बहुत धिके 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 आस्थु जत से बाहर हो पूरा पिचकिन हे गयो हारियो देखि छ केतला हमें नळ पाइप नळ थिबो पूरा जत से पूरा माने जाम थिबो ना जत पूरा स्लो स्लो रे आस्थियो जत से ताको बाहर को बाहरियो पूरा जोर रे बाहरियो पहिला ने ठीक एग्जैक्टली से ए आबे जो सेकंड थ्रो जो लार्वाटी जाए से कौन हुए ना ड्रेन जाम ठीक अच्छे पूरा बहुत कष्ट रे प्रेशर को नहीं 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 ऊपर को गला वंस थरे जेते से बाहर गला से एक्सप्लोर हैला देखि छ ला लार्वा बाहर किछि लार्वा एमति अल्प अल्प हरद आ लार्वा बहुत जोर एक्सप्लोर कराए पूरा बहुत जोर एक्सप्लोर कराए ओ एक्सप्लोर होबार कारण एई एई लार्वा सो जोटा कमे कोन कहउछे एसिडिक लार्वा एसिडिक लार्वा ही कौन करे ना एक्सप्लोर कराए एक्सप्लोजन कराए बुझा पड़ा समस्त ना कहा डाउट रहा समस्त बुझा पड़ी ना कहा डाउट रहा प्रथम लार्वा कथा कहले किए से ना थी हूँ एसिडिक लार्वा एसिडिक लार्वा केते किलोमीटर तले अच्छी आउ तार डिग्री केते समस्त बुझा पड़ा जो से जाऊ प्रोसेस जाऊँगी आम जानले अच्छा ये गोटे जिन मन रखियो जो लार्वाटा ये जो साइड रे सब रही आपको आम कौन कहले ना इट इज कॉल्ड आपको कौन कह दे जल्दी आपको कौन कह से कौन फॉर्मेशन कला जे रही गला जे रही से कौन फॉर्मेशन कर ग्रानाइट रॉक तैयार कर कौन कर ग्रानाइट रॉक तैयार कर आउ जे ऊपर को पळेला जे ऊपर को पळेला आके आको में की प्रकार रॉक कहबा मन को आको कह जे अंडिस अंडी सिटी रॉक बेली होगा लावा बेली कह जे बुझा पळा अच्छा जोडा को मु तुम मन को पढेली से जिनसटा मु सहज रे लिखि छी देखो आराम से तुम एटा बुझि परबो जे कोन ना 70 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट क्रस्ट रो बिलो रहुची जोठी टेम्परेचर रोच 600 रु 700 भीतर रोच जे की पार्शियली मेल्टेड हाउ केमदी ना से जे चिपकी चिपका रे आकार से थाए कि से ना मैग्मा दे थाए बुझा पले समस्या मुस आउ स्टार सहित तो कोन थाए ना जेली टाइप रो दिस स्टिकी सिलिका तो से तो सहज बरा चिपकी चिपका आकार अछि ता से ये स्टिकी सिलिका माने ताको आहुरी मध्ये त कोन कर देला ना जको गाढा कर देला ओके तापर कहला जे आउ उठे कोन आसीला This type of larva is called andestic larva. कौन कहा जाए andestic larva वाली कहा जाए आपको मधे acidic larva वाली कहा जाए acidic larva वाली कहा जाएगा I hope ए पर्जे तो समझ तो बुझी पाई लो ना कहा doubt है सर ए पर्जे तो समझ तो बुझी पा रही ना कहा doubt है अच्छा ए टी कोटे जिनसे हम कोई हो चाहूँ चुपिले मुझे तो बोल तुम्हारों को कहिली जे जेता बोले larva टा ऊपर को गोला किच्छी larva अच्छा जो लार्वाटा ऊपर गला जो साइट रे जे रही गला आको में कौन कहले जल्दी कहि दो आको में तो कौन कहबा ग्रानाइट रॉक कहबा कौन ना नहीं ग्रानाइट रॉक बोल कहबा ओके आ जे ऊपर को पळेला ताको में को प्रकार रॉक कहले जल्दी को जे ऊपर गला को कौन कहले जो जो लार्वाटा ऊपर गला एंडिस्टिक रॉक कहले आ जे साइट रहला ग्रानाइट रॉक बोल कहले ओके आ इथि से कहला जो लार्वा जो गला सितरे 65% सिलिका था आम देखा कंपोजिशन क्या देखा सीधे केसेंट सिलिका रोच 65% सिलिका रोच आउ कौन कौन जहाँ पीएच हूँ लेस दैन सेवेन पीएच हूँ के लेस दैन सेवेन रोच आउ कौन रहा दिस लार्वा फेल्ड स्पार मिनेराल ए मानक पाखे थाए से आपको कहुए फेलिस रॉक और लार्वा कहुए आपको बंदे हमें कौन कही थो फेलिस रॉक और लार्वा वाली कही थो समस्त बुझा पड़ा फेलिस रॉक और लार्वा हमें कहा कही बा ओके ए पद समस्त क्लियर तापर जिंदी सार पचार थे जे एसो जिंस आप कोठु पाइबा को देश रे देखो मु कोठी माउंट पिली माउंट भेसोलेसी जोटा कि इटाली रही मु सपोज इटा मु कोई इंडोनेशिया रही तो एमती बहुत सारा देश रे ए टाइप रो रॉक बा ए टाइप रो माउंटेन नाम को मिली था आई होप लार्वा रो प्रथम राउंड समस्त बुझी पारिछ जहाँ को हमें कहूँ एसिडिक लार्वा कहले कौन बुझा
पूरा जेमती मु बुझौछि सेमती ओडिया रे लिखाई छि ए नोट टा भी इंग्लिश पिला को नोट टा भी तो तुमको सहज हे जो पूरा मेन होछि कांसेप्ट जे कांसेप्ट बुझि गला से स जहा देखो एट गुटे वर्ड कहछि मन रखियो लैंग्वेज इज ओनली वे टू एक्सप्रेस योर थॉट लैंग्वेज इज ओनली वे टू एक्सप्रेस योर थॉट नॉट फॉर सिलेक्शन ऑफ अ जॉब नॉट फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ जॉब जॉब सिलेक्शन रहवा पई लैंग्वेज दरकार हुए लैंग्वेज हमको एक्सप्रेशन को दवा पई हेले लैंग्वेज दरकार हुए जे कथा बुझी पाइला हाँ जे कथा को बुझी पाइला सीता निज लैंग्वेज लिखि परि बस तुमको किछ वर्ड पावर दरकार हुए बस एते बुझा पाला समस्त आई होप मते लागो जे बहुत पिला मुंडो आज जाम हो जाइथु नाही रोसी वासे सॉरी चिनो रोसी वासे भी लाधा बळिया कर दो से धुआ कर दो आज अच्छा चले ज्योति कहले तो माइंड पूरा ब्लॉक हो जाए ओके से एक्सप्लोर करियो तो एक्सप्लोर करियो मतलब जत एबे तो हिन एक्सप्लोर करियो पूरा एक्सप्लोर हो जियो तो एक क्या धरे रिकॉर्डिंग तो चले तो एबे जीवा होची कहां पाकु जीवा ना मची बेसिक रॉक पाकु जीवा आगो इमेज रे बुझेबी तापर धाडी पे धाडी तुमको बुझे देबी देख बेले बेसिक रॉक कोन कहला इथे इंपोर्टेंट होची को जानछो बेसिक रॉक रे इमेज रे त दुकान ऊपर खाली कहियो देखो इथे केते किलोमीटर तळे थिबो ना 1550 रु 160 किलोमीटर तळे था सेथरा 70 किलोमीटर यो स्टार्ट आहुर तळे थिबो आउटे पॉइंट हुची कोन आर डिग्री थिबो केते ना 1200 रु 1400 डिग्री भीतर था सेथिला केते डिग्री 600 रु 700 डिग्री थिला माने ओबवियसली आर्ट रो हाई डिग्री थिबो ओके अच्छा एठी गोटे पॉइंट मन रखम एठी गोटे पॉइंट मन रखम हाई क्वांटिटी कोन अछि माने इट मोस्टली बिकेम ए वेरी लिक्विड माने ये बहुत लिक्विड एकर थाय ओबवियसली हाई टेंपरेचर अछि लिक्विड रहबो नि की जोटे हाई टेम्परेचर थी ओबियसली लिक्विड रही और लिक्विड रहा ये गोटे क्वेश्चन से तुम मन कहला इट कंटेंट इट एक्वर इट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कि से मैग्नीशियम आयरन गोटे के गोटे क्वेश्चन पचार कि आंसर दे पार वाय मैंने कौन पाई आम सेन्टर को जिते जाम आयरन लेवलटा हाई था कौन पाई आम जो सेन्टर को जाइ सब आयरन लेवलटा अधिक था कौन पाई ना बताऊँ एक बन रख ये कन्सेप्ट शिख देख ये हूँ पृथ्वी ये हूँ कैसे ना पृथ्वी पृथ्वीटा आरंभ रु लिक्विड आकार मन रख आज जो पृथ्वीटा जब प्रथम या कौ कंडीशन थिला ना लिक्विड आकार सर्वप्रथम पृथ्वीटा गोटे लिक्विड आकार पृथ्वी में दीटा एनर्जी अच्छी दि प्रकार एनर्जी पृथ्वी आकार था गोटे हूँ कैसे ना गोटे अच्छे गोटे आम कैसे ना अच्छे गोटे अच्छे बाहर को गोटे जो गोटे फोर्स पकाए आ गए फोर्स भितर को पकाए बाहर को जो फोर्स टा पकाए से फोर्स ना कौन जो पृथ्वी पृथ्वी टा सूर्य चारिपटे बुलू दीटा फोर्स कहे सेंट्रीफ्यूगल आ सेंट्रीपिटल ना सेंट्रीफ्यूगल आ सेंट्रीपिटल देख सेंट्रीफ्यूगल अर्थ जे बाहर को जो फोर्स पकाए से सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल अर्थ जे सेंटर को जो फोर्स पकाए सेंट्रीफ्यूगल अर्थ जो फोर्स टा बाहर को पड़े सेंट्रीपिटल अर्थ जो फोर्स टा भीतर को आसे बा सेंटर को तक आसे एटु टेंशन मन रख इटे दीटा फोर्स पृथ्वी ऊपर पहिला गोटे ला सेंट्रीपिटल फोर्स आउटला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जेतले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टा पहिला ए जो कथा मन पड़ेगा जे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल साधारणतः एसएससी गोटे क्वेश्चन आसे टर्निंग ऑफ मिल्क वाशिंग मशीन आ तुम जो मड काद चक्र जो मड बाहर कौ प्रकार फोर्स सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल काद सैकल चलाउे जो काद छिटकुचा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल कौन आसला सेंट्रीफ्यूगल से कनसेप्ट कहला जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल है मन रख सेंट्रीफ्यूगल समय जितेक लाइट एलिमेंट थे कौन कहला जितेक लाइट एलिमेंट पृथ्वीर
क्रस्ट उपरको आसिया पे चेष्टा करले लाइट एलिमेंट ओबियसली जे हेवी जिंस तने कि फुपाड़ परियो कि जे लाइट थ त फुपाड़ दो जो एनर्जी तो जते को गुटे हम लिक्विड कंडीशन थिला जते हम एमते जोर जोर बुलो छ गुटे सपोज गुटे एग्जांपल दो त बुझ परियो जते बाल्टी रे गुटे पानी पुरे हो एको जोर 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 बुलिबो थरे भाबो आम जो बाल्टी में मानने जो जो काठी कुटा जहाँ सब किसी रखा से उपर को चेस्टा कर तल को चेस्ट कर उपर को पल आस ना ना तो कौन आसला ना जितेक लाइट एलिमेंट अच्छा से आर्थ रूपर को आसपा चेस्टा कले आतेक हेवी एलिमेंट अच्छा से सेन्टर पाखक जावाप चेस्टा कले सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयरन आर प्रेजेंट इन कोटी ना कोर ऑफ द सेंटर बा सेंटर रे सब अधिक आयरन आ मैग्नीशियम था जो से लिखला जे मैग्नीशियम और आयरन आर फाउंड हियर किसे ना हाई क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आ आयरन ता हम एट पाइतो ऑब्वियसली पॉइंट समस्त क्लियर है तो आई थिंक ता समस्त बुझी परतिबो ओके अच्छा दिस लार्वा इज आल्सो कॉल्ड माफिक लार्वा ओके सेटा किस पॉइंट ने खाली बोल रखिबो पीएच होची 7 रु 14 हजार कोन ना पीएच आर कलर साधारण डार्क डार्क कलर थाय बा सॉरी ब्लैक कलर आर साधारण तार कलर होची ब्लैक कलर थाय म एठी गोटे पॉइंट तुम मानको कहजा चाहौ छि पिले मन रखो गोटे पॉइंट साधारण तो ए प्रकार जिंस कोठ में पाइथो को प्रकार जिंस रे पाइथो बेसिक प्लेट ता जो बेसिक लार्वाटा हमकु साधारण मिले कोठी एटा मिले एटा म लेखिन रे लेखि दो हॉट स्पॉट हॉटस्पॉट एरिया रे कोटी हॉटस्पॉट एरिया रे आउट हासला कोन ना डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एही एरिया रे मैक्सिमम ए लार्वाटा हमें पाइथ कोन ना हॉटस्पॉट एरिया आउ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री रे जहां भी सब वोल्केनिक इरप्शन हेतै को प्रकार लार्वाटा हेतै सेति बेसिक लार्वा हेतै आ एठी गोटे इनसम कहू मन रख आबोर जेतक ओशन क्रस्ट ओशन क्रस्ट आउट आसला कौन लार्वा प्लेट्यू एम सब कौन मन रखे सब कौन ना बेसिक लार्वर कौरे ना बेसिक लार्वर से रॉक रो ना होची बासालिटिक रॉक एटा को आरंभ रु पढ़े थी बासालिटिक रॉक बोली कह जाए जेतक आमर ओसेन टी क्रस रहा ओसेन रहा मैंने सब कौ प्रकार रक ना बासालिट रक ये से लिखला ना दिस लार्वा दिस लार्वा इज वेरी फ्लुइड से बहुत फ्लुइड अच्छी तो सीटा कौ प्रकार रक तैयारी कै बासालिट रक तैयारी कै बहुत जो फ्लुइड अच्छे सीधा उपर को पलि पचकिन सांघातिक सांगा पलि आसा बाटर तो कहीं अटके ओके ऊपर को पलि आसला सी जो प्रकार सब या रक या बासालिटिक रक यू मन रखे बासालिटिक रक को लार्वा या किसे बेसिक लार्वा या बासालिटिक रक कौन या हुए ना ओशन क्रस्ट या ओशन क्रस्ट बुझी पार तो ओशन क्रस्ट लार्वा प्लेटू आई होप एटा समस्त बुझी पाइल आई होप दीटा लार्वा विषय समस्त बुझी पाइल दीटा का लार्वा विषय समस्त बुझी पाइल ना क्या डाउट है बुझा पड़ा समस्त क्लियर अच्छे आज क्लास मन रख जीवन केवी वोल्केनिक इरप्शन जहाँ को बुझाक थी सहजे बुझे पड़ो लार्वा हूँ दि प्रकार गोटे हूँ बेसिक आ कि ना एसिडिक बेसिकटा कौट था एसिडिका कौटी पाइ आराम से बुझे पार थो तो ये हूँ लार्वा लार्वा गलापर आसा हूँ किसे ना टाइप सेफ वोल्केनो वोल्केनो होचे तीन प्रकार वोल्केनो होचे कोन तीन प्रकार मन रख एठी तुमको आगो बुझे दूची तापर तुमको कहबी वोल्केनो होचे साधारणत तीन प्रकार वोल्केनो होचे तीन प्रकार रे गोटे हला एक्टिव वोल्केनो गोटे हला डोरमेंट वोल्केनो गोटे हला होचे कोन ना एक्जिस्ट वोल्केनो एक्जिस्टिंग वोल्केनो ताको डेड वोल्केनो बोली मते कह जाय डेड वोल्केनो बोली कह जाय एक्टिव वोल्केनो मन रख जो वोल्केनो रु माने मैक्सिमम टाइम कौन बाहर थो लार्वा बाहर थो कि गैस बाहर थो कि कौन बाहर थो ना जोटा कि वाटर वेपर बाहर थो कन्स्टाटली और जहाँ अल्प हो बहुत हो एमती मानते जो थी बाहर सवाल पाए कहुए एक्टिव वोल्केनो कि आस बाहर थो एक्टिव वोल्केनो आ डोरमेंट वोल्केनो इज अ वेरी डेंजरस वोल्केनो जितेक वोल्केनो अच्छी सब डेंजरस हूँ डोरमेंट वोल्केनो ता अर्थ कौन छो सपोज गोटे वोल्केनिक इरप्शन गोटे वोल्केनिक इरप्शन
दीर्घ दीर्घ वर्ष पर 100 वर्ष 200 वर्ष पर मे भी चांस थाए आउ थरे होबा पई काहेकि आ तळे एबे भी मैग्मा था ये काहेकि डेंजर ना सेति पर डेंजर जेतो बळे गुटे लार्वा हे गला देखा गला 50 वर्ष होला इठे बाहर लोक माने इठे रहे कारण करले लोक माने इठे को गले इठे रहे कारण करले ठीक 20 30 वर्ष पर ए जो लार्वा अछि फिर आउ थरे एक्सप्लोर कर कोन गला आउ थरे एक्सप्लोर कला तो आटे टाइम ए जन्म बसती गुटे फ्रैक्शन ऑफ मिनिट रे स्मैश हे गले तक कोला डर्मांड वल्कन डर्मांड वल्कन तो जे हेछि आगु को होबा को चांस अछि मे बी वर्ष को रहि पारे 10 वर्ष पर रहि पारे 100 वर्ष पर रहि पारे 200 वर्ष पर रहि पारे आउडा सगण एक्सटिक वल्कन जहा कहि तो हमें कोन सेलिंग बुलच ई एक्स टी आई एन सी टी एक्सटेंट वल्कन जहाँ को मैं डेड वोल्कान बोली कही थो जो थे सरला पर आउट चान्स न था आउ सीट हवा वोल्कान आउ सीट वोल्कान हवाई चान्स न था तीन प्रकार वोल्कान आम पाई गोटे एक्टिव वोल्कान गोटे डर्मांड वोल्कान आगे कौन एक्सट्रीम वोल्कान ये मेनसन ये करदे जे कौ वोल्कान कौ एरिया आम पाचे जमी एक्टिव वोल्कान सब कौ कौ एरिया आमको एक्जामपल आकार किए रही माउंट किए रहा हाँ आयल अच्छे आंडामन आम भारत आंडामन साधारण वोल्कान पाचे बारानी बी ए आर आर इन आयरलैंड बारानी आयरलैंड इज द कहार एग्जांपल ना आंडामन जो अच्छी एग्जांपल एमती बहुत सारा माउंटेन अच्छी जे कि एक्टिव वोल्कान एग्जांपल डर्मांड वोल्कान एग्जांपल बहुत अच्छी कर्कातोरा आयरलैंड भी अच्छी माउंट पिल्ली गोटे अच्छे कहार एग्जांपल ना गोटे डर्मांड वोल्कान एग्जांपल आउट आसला कौन एक्सट्रिक वोल्कान आम जो डेड वोल्कान बोली कहे तहार एग्जांपल हूँ कौन बहुत सारा मानने एरिया अच्छी जो माउंट किलिमांजारो माइंड माउंट किलिमांजारो ये सब जिन कौन अच्छा अच्छा एक्टिव वोल्कान हूँ से वोल्कान जोटी वोल्कानिक एरप्शन हो थी ता सहित किछि दिनर अंतर भितर इथरे आइदर गैस बाहर थिवो किंबा लार्वा बाहर थिवो कांस्टेंटली देखो इठी कोन से लार्वा बाहर गैस बाहर वाटर वाटर वेपर बाहर थिवो से बंद हे नथिवो सेमते बाहर रहै चलथिवो अल्प दिन व्यवधान भितर होथिवो से रस बोला कि से ना एक्टिव वोल्केनो त हां तापर आसिला होछि कोन डर्मांड डर्मांड वोल्केनो कहो कोइबा जे थरे हेछि बहुत गैप परे मे भी केबे हे परे जोटा के सबटो डेंजरस आउट आसला डेड वोल्केनो जकी सो लास्ट वोल्केनो अरे सेमिति आमे कहवा विषुव रेखा पाखरे हुए तमो तो विषुव रेखा हो मकर रेखा हो कर्कट रेखा हो रेखा ऊपर डिपेंड नहीं तमरो प्लेट ऊपर डिपेंड करे को प्लेट यदि कन्वर्जेंट होची डाइवर्जेंट होची तो तुमको देखे को पड़िबो जे को प्लेट रेठ रहूची से प्लेट ऊपर तुम आरंभ रुबा कहली प्लेट ऊपर डिपेंड कुछ वोल्केनिक एरप्शन तुमरो रहला किस ना एक्टिव वोल्केन रहला सॉरी कन्वर्जेंट प्लेट रहला डाइवर्जेंट प्लेट रहला और कोनो हॉटस्पॉट एरिया रहला से सब एरिया रहिता तो तुम्हें कह सर आम ओडिशा कहीं वोल्केनो हो केमती हो वोल्केनो आमर एटा को कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट ना एठी हॉटस्पॉट एरिया अछि तो भारत रो मध्ये को जो जगह रे प्लेट टा को हम टच करछे ठीक सही जगह रे सब जिनछ होछ आई होप ए चैप्टर को समस्त बुझी पारिछ ना घाट आउट अछि आर संपूर्ण ओडिया मटेरियल आ इंग्लिश मटेरियल मो अपलोड कर देबी ओके कहार डाउट अछि कि आज पूरा भोर माने माइंड पूरा जाम है तो वोल्केन भलिया पूरा थिबो आज राती रे सोइतबो पूरा एक्सप्लोर हो हला होशियार के थिबो काली पढ़ीबा अर्थ को हेला काली केमिति भूमिकंप हुए काहे कि हुए सब जिंस पढ़ीबा हिस्ट्री ऑप्शन केबे टू स्टार्ट हो वेट हिस्ट्री ऑप्शन मो हाथ रछि टिके एगुरा सब कर देला पर सेटा को जिबा वर्षे रहले आज हेला फेब्रुअरी मास आरो वर्ष परीक्षा हमर ओके आउ कार किसी डाउट अच्छे किसी डाउट नहीं हो आसना कल मॉर्निंग रे क्लास हम आज कल जो पल बाहर फेर पर रात चारटा होगा चार्टा रात कौन क्लास कर उठ पारे प्रिलिम के डेट बाहर सर तुम पचार प्रिलिम के प्रिलिम डेट बाहर आज मसे सेप्टेम्बर अच्छे ओके गुड नाइट थैंक यू स्टूडेंट।